हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड शीतल। सो आज की वीडियो में हम मीशो ज्वेलरी हॉल करेंगे और सारी ज्वेलरी ना 200 रुपए के अंडर होंगी, लेकिन एक ज्वेलरी है जो कि पूरा हल्दी का, पूरा जो होता है ना हल्दी का पूरा सेट है, वो हल्दी और मेहंदी का जो वियर करते हैं, तो वो ना 282 या 250 समथिंग का है बस एक सेट। बाकी सारा कुछ जो है 200 रुपए के अंडर होगा। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि फेस्टिव सीजन चल रहा है एंड नवरात्रा भी आने वाले हैं। नवरात्रों में गरबा भी करते हैं लोग, एंड उसके लिए ना थोड़ा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और थोड़ी बहुत फेस्टिव वाली ज्वेलरी एंड बाकी थोड़ी वेडिंग वाली ज्वेलरी, ये सब होंगी इसमें। बाकी है ना, कुछ दिनों बाद जब फेस्टिव पूरा आ जाएगा दिवाली के आसपास, मैं स्पेशली ओनली फेस्टिव सीजन वाली ज्वेलरी आप लोगों को दिखा दूंगी कि वो भी है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने अलग अलग कर लिया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इयररिंग से। तो पहला वाला जो इयररिंग मैंने ऑलरेडी पहन रखा है, ये ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा हल्का है, आप लुक एट दिस, ये लेकिन है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, लिटरली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसके ऊपर ऐसे सिक्के टाइप का बना हुआ है, बाकी ऐसी बीड्स लगी हुई है अंदर है, एंड सबसे अच्छी पार्ट मुझे ये घुंघरू लगते हैं, देख रहे हो ना कितने मस्त है, बहुत सही आवाज भी करते हैं, आई लव दिस। और ये शायद प्राइस वगैरह आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, मेरे को किसी का प्राइस याद नहीं है क्योंकि सबके प्राइस ना ऐसे ही होते हैं 170, 180, 190, ऐसा कुछ आगे पीछे होते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैंने प्राइस स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लेंगे लेना। और जितने भी लिंक्स होंगे इनके मीशो से मंगाए हैं, तो मीशो का पूरा लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको जस्ट क्लिक करना है एंड यू जस्ट बाय दोज इयररिंग्स। चलो चलते हैं हमारे सेकेंड इयररिंग पे। सो सेकेंड है ये सबसे बड़ा इयररिंग, जो मेरे पे अभी तक का सबसे बड़ा इयररिंग यही वाला है, ये भी ऑक्सीडाइज है और ये है ना गरबा नाइट्स और इन सब में ना बहुत ज्यादा मस्त रहता है। ये पूरा सर्कल सर्कल है, यहाँ मिरर वर्क है बहुत ज्यादा, एंड इसमें से ना बहुत सारी आवाज आती है यार, मेरे को ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला इयरिंग। और ये भी शायद 200 या 199 कुछ का है, 200 रुपये का ही है, एंड बहुत मस्त है, लव दिस। सो हमारा ये है थर्ड इयररिंग एंड लुक एट दिस, ये पूरा ऐसे सर्कुलर रिंग होती है ना उस टाइप का, उसमें ना बहुत ज्यादा मिरर वर्क है, पूरे में मिरर वर्क है और नीचे ये घुंघरू लगे हुए हैं, मेरे को काफी सही लगता है ये वाला इयररिंग, एंड मैं एक बार पहन के भी आप लोगों को दिखाती हूँ। लुक एट दिस गाइस, इट्स लुक अमेजिंग। यू नो रात के टाइम पे अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे गरबा नाइट्स में आप जाते हो ना, तो रात के टाइम पे कुछ मिरर वर्क का पहनते हैं ना, वो ऐसे ब्लिंग ब्लिंग करता है, बहुत मस्त लगता है। तो मुझे लगता है नाइट्स के लिए, रात के टाइम के लिए इस टाइप के जो इयररिंग है बहुत ज्यादा काम करेंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ, आप लोग फोटो देख लो, ये पूरा एक सेट आया था, इसके साथ आया था ये वाली इयररिंग, लुक एट दिस दीज इयररिंग, एंड इसमें ना काफी अच्छा वर्क करा हुआ है, बहुत बड़े बड़े इयर रिंग है, एक बार मैं पहन के भी दिखाती हूँ आपको। लुक एट दिस इयर रिंग गाइस, कितना सुंदर है, सुंदर सुंदर है ही, बहुत ज्यादा सुंदर है यार, कसम से लुक एट दिस, बहुत सही लग रहा है। इसमें शायद दो कलर अवेलेबल थे, बट मैंने ये वाला लिया है जिसमें पिंक एंड ऑरेंज कलर का काम है, और इसके साथ ये नेकलेस भी है, नेकलेस आप लोग देख, दोनों ही बहुत अच्छे है, इयर रिंग एंड नेकलेस बोथ, मैं आप लोग देख लीजिए ऐसे काम है। इसमें दो ऐसे जो इयररिंग में लगे हुए थे वैसे लगे हुए हैं चैन है, एंड ये आपका जो है यहाँ तक आएगा करके, ये आपका यहाँ तक आएगा, काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ना कुछ फोटो भी डाल दूंगी जो मैंने पहने थे ये, एंड ये काफी मस्त लग रहा है इसको। नेक्स्ट है ये स्टड, और ये वाले स्टड ना लिटरली आई थिंक 120 या 130 ऐसे कुछ आए हैं, ज्यादा महंगे नहीं है, बहुत सस्ते स्टड हैं ये, मैंने मीशो से ही मंगाए थे, एंड मैं एक बार पहन के भी दिखाती हूँ फिर देखना। सो लुक एट दिस, लिटरली ना स्टड ना मेरे को काफी सही लगते हैं ऐसे वाले, तो खासकर मतलब एक स्टेटमेंट पीस टाइप का लगता है मुझे ऐसे बड़े बड़े स्टड्स, और ये इतने महंगे भी नहीं है, जस्ट इन 120 या 130 ऐसे कुछ के हैं, एंड प्राइस आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा, मेरे को लिटरली प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन आई लव दीज स्टड यार, काफी मस्त है, आप लोग ट्राई कर सकते हो एंड पहन के अच्छा लग रहा है। तो ये ग्रीन कलर की इयररिंग जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, लुक एट दिस इयररिंग, एक बार मैं पहन के भी दिखाती हूँ आपको, रुको लुक एट दिस,
काफी सुंदर है ये भी, एंड आई लाइक दिस। ये ना आप लोग दिवाली वगैरह के लिए परचेज कर सकते हो, जैसे दिवाली वगैरह हो गया या कोई ऐसे करवा चौथ एंड ऑल, अगर आप मैरिड वुमेन हो तो, एंड मतलब फेस्टिवल के लिए बेसिकली, या शादी कोई मैरिज फंक्शन में जाना है उसके लिए आप ले सकते हो। तो मुझे ये वाले भी काफी अच्छे लगते हैं। थोड़ा अगर ग्रीन टाइप का आपका लहंगा है, या मतलब ऐसा प्लेन व्हाइट है, उसमें एज अ स्टेटमेंट थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए आप लोग ये वियर कर सकते हो। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है ये राधा कृष्ण वाले इयररिंग, आप लोग देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है राधा कृष्ण, एंड अगर आप लोग वृंदावन वगैरह जा रहे हो तो तब के लिए बहुत सही रहेगा। बाकी ऐसे नॉर्मल भी पहन सकते हो, एंड लुक एट दिस, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसमें ना ऐसी चेन टाइप की भी दी गई है कि अगर आप ऐसे करके अपने बालों में लगाओगे अच्छे से हेयर स्टाइल करके, तो ये काफी अच्छा एलिगेंट लुक देगा और काफी सुंदर लगेगा। इंस्पो के लिए देख सकते हो, बाकी इट्स अमेजिंग। नेक्स्ट है ये वाला इयररिंग, लुक एट दिस। ये ना काफी सुंदर इयररिंग है ना, एक टाइम पे ना ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल भी था। तो ये भी इयररिंग अंडर 199 ही आया है, एंड मैं इसे पहन के भी दिखाती हूँ आप लोगों को, काफी सुंदर लगता है पहन के। लुक एट दिस, नो वर्ड्स। नेक्स्ट है ये वाला इयररिंग, ये इससे शायद पान का पत्ता बोलते हैं, ऑक्सीडाइज में काफी अच्छा इयररिंग है। लुक एट दिस, इसे भी मैं पहन के दिखाती हूँ। ये है ना स्टेटमेंट इयररिंग जैसा है, एकदम द बोहो गर्ल ने ये वाला इयररिंग पहना हुआ था, तो मैंने उसे देख के ही ऐड करा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये देख लो, ये पहन के कुछ ऐसा लगेगा, एकदम स्टेटमेंट पीस लगता है, लिटरली बहुत ज्यादा डिफरेंट लगता है, एंड इट्स अमेजिंग फॉर मी, इट्स वेरी नाइस, अमेजिंग, आई लव दिस। साथ हम चोकर्स पे, तो ये वन ऑफ द माई फेवरेट है, लिटरली बहुत सुंदर है ये, एंड इजी टू वियर है, एंड एकदम स्टेटमेंट पीस लगता है ये। मैं लुक एट दिस, कैसे दिखाऊं, हाँ अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ये ना, किसी भी आउटफिट के साथ इतना अच्छा जाता है। वाह, आई लव दिस पर्सनली, आई लव दिस वेरी वेरी मच, बिकॉज इजी टू वियर एंड इट्स लुक अमेजिंग। आप लोग बताना कौन सा आपका फेवरेट है। ये मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट में से है, तो आप लोग भी बता सकते हैं। इसकी तारीफ तो बहुत लोगों ने करी थी, जब मैंने ये नवरात्रों वाली जो वीडियोस बना रही थी उसमें मेरे को पर्सनली डीएम भी आया था, कहाँ से लिया है ये, मैंने मीशो से लिया था, और ये मेरे को ना शायद 199 के अंडर पड़ा है। इसके साथ आपको ना इयररिंग भी मिल जाएंगे, और ये थोड़ा ना पायल वाली फील देता है, लेकिन ये पायल नहीं है, आप पहनते हो ना एकदम बहुत सही तगड़ा चोकर लगता है ये, आप लोग देखिए कितना मस्त लग रहा है, तो इतना मस्त लगता है। और इसके साथ इयररिंग भी है, और इयररिंग कुछ ऐसे ऐसे आएंगे आपको, है ना, सेम टाइप के, तो ये पहन लोगे, इयररिंग पहन लोगे, या देन यू आर गुड टू गो। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर है, इसके अंदर इतने सारे घुंघरू हैं, लिटरली मुझे लगा महंगा आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा घुंघरू हैं, ऐसे देखिए। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो अच्छे से, बहुत ज्यादा घुंघरू है, यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है, बहुत अमेजिंग है। जो भी खरीदेगा ना उसे उससे प्यार हो जाएगा, लिटरली प्यार हो जाएगा। तो हमारा ये वाला लॉन्ग नेकलेस, और इसके अंदर ना सी सेल्स लगे हुए हैं, पूरा सिल्वर ऑक्सीडाइज है, एंड ये पहन के कुछ ऐसा लगता है, दिखाती हूँ आपको, कुछ ऐसा लगेगा, एंड इट्स लुक नाइस गाइस, आई लव दिस। ये वाला लॉन्ग नेकलेस, इसमें ऐसी ऐसी डिजाइन है, एंड ये यहाँ से ऐसे कुछ निकला हुआ है, आगे पूरा लंबा है, और ये भी पहन के बहुत सुंदर लगता है। लुक एट दिस, लग रहा है ना मस्त मस्तम मस्तम। तो अब मैं जो ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ फेस्टिव सीजन के लिए, काफी ज्यादा अच्छी है, एंड वो आलिया भट्ट ने अपनी शादी में वियर करी थी, उसके आलिया भट्ट की वेडिंग ज्वेलरी है,
जो मेरे को बहुत ज्यादा सस्ते प्राइस में मिली थी, आई गेस 167 कुछ की मिल गई थी। सो लुक एट दिस। तो ये है मांग टीका, आप लोगों ने देखा होगा, सेम टाइप का आलिया भट्ट ने मांग टीका लगा रखा था। मैं यहाँ पे ना इंस्पिरेशन पिक्चर भी लगा दूंगी आप लोगों के लिए। तो ये है मांग टीका, काफी सुंदर सा है। वैसे आज मैंने व्हाइट पहना है ना, व्हाइट का हर एक ज्वेलरी अच्छी लगती है। तो से नए ना मिले के, ठीक है, ये तो है मांग टीका। एंड एक और आया है इसके साथ, वो है ये, ये है हेयर बैंड टाइप, नहीं होता ऐसे लगाने का, ऐसे है ना, मस्त मस्तम मस्तम मस्त कलंदर। ये सिर्फ 167 कुछ रुपीस का आया था और ये मुझे काफी अच्छा लगा है। प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा मस्त है, लिटरली बहुत ज्यादा मस्त है। एंड ये सब डिस्काउंट डिस्काउंट पे चल रहा था तभी लिया था। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट ज्वेलरी, ये हल्दी का पूरा सेट। एंड गाइस ये ना मेरे को है मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट कह सकते हो, क्योंकि इतने कम प्राइस में पूरा इतना सही सेट मिल गया। बाकी इसके अंदर मेरे को क्वालिटी थोड़ी बेकार लगी है, जैसे कि ये चिपका हुआ आया था यहाँ से, तो ये निकल गया हाथ वाला रिंग के साथ वाला ना। और ये इयररिंग्स हैं, इयररिंग्स मैं पहन के दिखा देती हूँ, ठीक है। इयररिंग्स बहुत सुंदर है। तो ये इयररिंग्स ऐसे लगेंगे पूरा फ्लावर। एंड अगर आप हल्दी में जा रहे हो नहीं, ये ब्राइडल वाले आया तो आप मत लेना। जा रहे हो तो क्या ही करोगे लेके, मतलब उसमें तो सिर्फ एक मांग टीका लगा लो, वही इनफ होता है। लेकिन अगर आपकी शादी हो रही है, आप ब्राइड हैं, तो आप ले सकते हो, बिकॉज शादी में एक ही बार पहनना होता है, बहुत ज्यादा खर्चा करके कोई फायदा थोड़ी है। और ये ऐसे हाथ में ऐसे रिंग पहन लेनी है और बाकी इसको ऐसे टाई कर लेना है ऐसे करके, तो कुछ ऐसा लगेगा। मतलब ऐसे करके इमेजिन कर लो, कुछ ऐसा ऐसा लगेगा सुंदर सा। बाकी एक दो चीज और है। सो ये मांग टीका में ऐसे तीन है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तीन लगा सकते हैं, मतलब कुछ इस टाइप का, ठीक है। और बाकी ये है आपका गले का सेट, जो कि बहुत सुंदर है, लिटरली लुक एट दिस। तो से नै नै लाइक। तो ये सिर्फ ब्राइडल वाला है ज्वेलरी सेट, आप लोग मत खरीदना, बेफालतू का क्यों खरीदना है यार। मैंने तो दिखा दिया है कि कोई ब्राइड, इन केस कोई ब्राइड आई है मेरी वीडियो देखें, तो उसके पास होना चाहिए ना ऑप्शन। सो यही थी सारी अभी तक की वीडियो, इसे निकाल देती हूँ पहले मैं। यही थी सारी अभी तक की ज्वेलरी, जो आपकी फेवरेट है तो वो कमेंट करके बताना कि कौन सी वाली आपको अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी। बाकी आप लोग ये भी बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी देखनी है टाइप्स। एंड इसके अलावा अगर आप ज्वेलरी वगैरह हो गई, अगर आप नवरात्रि के लिए रेडी हो रहे हैं, तो आप ये वाली मेरी नवरात्रि वाली सीरीज देख सकते हैं, जहाँ पे आपको आउटफिट का इंस्पिरेशन मिल जाएगा। इवन आप लोगों को कैसा मेकअप करना है वो भी पता लग जाएगा। अगर आप लोग ऐसा मेकअप करना जानते हैं या कुछ आउटफिट वगैरह चेकआउट करना चाह रहे हैं, सूट वगैरह, तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टाटा।